अभी कुछ देर पहले ही सर्वदलीय बैठक यही मेरे ऑफिस कक्ष में ही संपन्न हुई है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और सीपीआईएम के आदरणीय श्री राकेश सिंघा जी उपस्थित थे, और उस बैठक में मैं भी स्वयं उपस्थित था। सत्र कल 11 बजे से शुरू हो रहा है और ये 13 तारीख तक चलेगा, जिसमें कुल बैठकें 4 हैं। कुल मिलाकर के इस सर्वदलीय बैठक में हमारी तरफ से या विधानसभा सचिवालय की तरफ से यही आग्रह रहता है और यही निवेदन रहता है कि ये जो सत्र हैं, चाहे वो बजट सत्र है चाहे मानसून सत्र है, वहाँ पर जो सामयिक विषय हैं, तात्कालिक विषय हैं, प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, विधायकों के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, उन सारे विषयों पर सरकार के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा या आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उत्तर दिया जाना है, उस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग हो, इस हाउस के समय का भी और प्रदेश के जनता के लोगों के प्रश्नों का भी, जो माननीय विधायक यहाँ पर पूछते हैं। यही मैंने कुल मिलाकर के सभी नेताओं से आग्रह किया है कि इस सत्र को, इस सेशन को चलाने के लिए मुझे पूरे हाउस के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। हाँ, मेरे सामने तो उन्होंने यही कहा है कि ये इस विधानसभा का अंतिम सत्र है, यादें यादगार बननी चाहिए, अविस्मरणीय बननी चाहिए, हमारा सहयोग इस चेयर को पूरा रहेगा। और मेरी निवेदन को अगर ये स्वीकार करेंगे तो मैं यही कह सकता हूँ कि इस विधानसभा की बड़ी उज्ज्वल परंपराएं रही हैं, श्रेष्ठ परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं को इस सत्र के माध्यम से हम आगे लेकर के जाएंगे। आज की इस सर्वदलीय बैठक का यही निष्कर्ष है, उसका बिजनेस रहता है। एक हाउस का जो बिजनेस रहता है, उस हाउस के बिजनेस में प्रश्न भी डाले जाते हैं, प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उसमें सप्लीमेंट्री प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जिन विषयों का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे कानून व्यवस्था है या अन्य जो भी विषय हैं, वो नियमों की परिधि में उठाएंगे तो पूरा समय दिया जाएगा। उसमें तो हमने पहले भी किसी को नहीं रोका है। अगर वो नियम 62 के अंतर्गत, 130 के अंतर्गत विषय उठाएंगे और निर्धारित समय में वो विषय उठाएंगे या नोटिसेज दिए होंगे तो बोलने का बिल्कुल समय दिया जाएगा। हाँ, पर इतना ज़रूर है कि नियमों की परिधि को ध्यान में रखते हुए ही चर्चाओं को आगे बढ़ाया जाता है, नहीं तो फिर ये विधानसभा नहीं रहेगी। फिर तो जिसके मन में भी जब कभी भी जो प्रश्न उठेगा, कहेगा कि ये मुझे कहना है, ये मुझे पूछना है। खैर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की व्यवस्था भी हम देते हैं, उसमें उस बात का भी हम ध्यान रखते हैं। इसलिए इस 4 दिनों के सत्र में जो माननीय विधायक पूरे सदन के प्रश्न पूछना चाहते हैं, चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो पूरा उनको समय, पूरा माकूल समय दिया जाएगा। विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को समाप्त होगा और मानसून सत्र जो है वो ये आखिरी होगा। जब तक चुनाव घोषित नहीं होते तब तक सत्र दोबारा भी हो सकता है, इसलिए मैं इसे अंतिम सत्र नहीं कहूँगा, लेकिन मानसून सत्र ये आखिरी है। बजट सत्र इसे पूर्व जो है वो हुआ था, इसमें 4 दिन का जो है ये सत्र होगा
जिसमें एक दिन प्राइवेट मेंबर्स डे है 11 तारीख को, जो उसमें प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो अपने संकल्प भेजते हैं, उन पर चर्चा होती है। एक संकल्प पिछले सेशन का बचा है, उस पर जो है वो पहले चर्चा होगी, फिर अगले संकल्प आएंगे। इसमें जो है वो प्रश्नकाल भी रहेंगे और बहुत सारे लोगों ने जो है वो चर्चा के लिए सूचनाएं दे रखी हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो है वो एक सूचना है 130 के अंतर्गत, बाढ़, भूस्खलन और वनों में आग की घटनाएं जो घटती हैं उस पर भी एक प्रस्ताव आया है। इसी प्रकार से जो है वो कुछ नियम 62 के अंतर्गत और नियम 63 के अंतर्गत भी हमारे जो विधायक हैं उन्होंने सूचनाएं दे रखी हैं, जिस पर जो है वो विचार करके स्पीकर महोदय जो हैं वो उसकी प्रायोरिटीज तय करते हैं। लेकिन हर सत्र से पूर्व विधानसभा में जो दल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी एक सर्वदलीय बैठक जो है वो माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बुलाई जाती है। आज भी मानसून सत्र के शुरू होने से एक दिन पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है उस सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें मेरे अलावा हमारे मुख्य सचेतक श्री विक्रम जनराल जी और लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, CPIM के हमारे विधायक श्री राकेश सिंगा जी जो हैं वो उपस्थित थे, स्पीकर महोदय और विधानसभा सचिव भी उस बैठक में उपस्थित थे। उसमें आदरणीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा का शायद अंतिम सत्र हो, इसलिए हम सब जो हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस सत्र में जो है वो हेल्दी डिस्कशन करें और उसके बाद सभी को चुनाव में जाना है, तो हम जो हैं वो प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनका निदान कैसे हो सकता है, कोई सुझाव क्या हो सकते हैं, उन पर जो है वो अगर शांति पर ढंग से जो है वो हम विचार विमर्श करेंगे तो शायद ये हमारे लोकतंत्र के लिए और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की जो परंपरा है उसके अनुरूप होगा। तो सबने जो है वो अध्यक्ष जी को जो है आश्वासन दिया है कि हम लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए सदन को चलाएंगे और हम समझते हैं कि ये सदन जो है वो सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता जो है वो इस विधानसभा में जो सदस्य चुनकर के आए हैं उनको शायद विधानसभा की कार्रवाई में जो है वो अंतिम सत्र में देखेंगे, सुनेंगे और उनकी बात को सुनेंगे और उसके आधार पर ही अपना आकलन जो है आने वाले चुनावों में भी करेंगे। तो इसलिए हमारा भी निवेदन है सबसे, विपक्ष से विशेष रूप से, कि वो इस सदन में जो है वो अपनी जो ज्वलंत समस्याएं हैं प्रदेश की जिन्हें वो मानते हैं उनको वो अगर परंपरा के अनुसार नियमों के अनुसार जो है उठाएंगे तो सरकार जो है वो उसका समुचित उत्तर देने के लिए जो है वो हमेशा तत्पर रहेगी और उसके ऊपर जो है अगर आवश्यक हुआ और वो हितकारी हुई सरकार की नीतियों के मुताबिक जो है वो उस पर चलने से फायदा होता है प्रदेश की जनता का, तो निश्चित रूप से जो है वो हम उन सुझावों को मानेंगे भी। तो हमारा भी जो है वो निवेदन है सभी सदस्यों से कि वो इस विधानसभा के सत्र में जो है वो भाग लें और उसमें अपने विचार जो है वो जो जो वो अपने विचारों के अनुसार समझते हैं उनको जो है वो सुझाव सहित जो है वो रखने की कृपा करें। आप बताइए कि डिफेंसिव किस बात का, जनता के मुद्दे उठाने के लिए सेशन हो रहा है और जनता जनता की मांग के अनुरूप जो है विपक्ष का बिहेवियर होता है, जब बाहर जब हाहाकार मचा हुआ है तो अंदर डिफेंसिव किस बात का, हर मुद्दा जो है
पूरी आक्रामकता से उठाया जाएगा। महंगाई आप देख रहे हैं कि क्या हाल हो गया कि हर वर्ग प्रभावित हो गया। अब तो जो है छोटी छोटी चीज़ों पे भी जो है राशन से लेके शमशान से लेके बागवान से लेके हर मुद्दे पे हर पे GST लगा दिया गया है। क्या 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 हालत कर दी गई है, परिस्थितियाँ किस ढंग से नाजुक हो गई हैं। तो इसलिए बागवान कह रहा है कि उनके कार्टन पे जो है GST लगा दिया है, और उधर जो है दही पे, दूध पे, छोटी छोटी चीज़ों पे, हर बात पे GST फन फैला के बैठ गया है। और महंगाई की हालत ख़राब है। आटे पे के दाम देख लीजिए आप, तेल के दाम देख लीजिए, फिर जो है चाहे सीमेंट है चाहे सरिया है, हर तरफ जो है हाहाकार है। तो इसलिए महंगाई मुद्दा है, महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए, बेरोज़गारी पे चर्चा होनी चाहिए। किस ढंग से आप चोर दरवाजे से नौकरियां फिल कर रहे हैं, किस ढंग से जो है आनन फानन में अपने लोगों को भरने का प्रयास कर रहे हैं। कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई भर्ती की प्रक्रिया नहीं है, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन या सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से कोई भर्ती का प्रयास नहीं है। सिर्फ जो है बैकडोर एंट्रीज हो रही हैं, फिर भर्तियों में चोर बजारी हो रही है, पुलिस की भर्तियों में जो लूट हुई है बड़े पैमाने पे, लूट आपके सामने नीलाम हो गए, पर्चे नीलाम हो गए, और 6-6, 8-8 लाख रुपए में पर्चे जब बिक रहे हों, तो ऐसे माहौल में विधानसभा हो रही है तो निश्चित तौर पे मुद्दे तो उठने ही हैं। माफिया आपके सामने, खनन माफिया ने हर तरफ लूट मचाई हुई है, किस ढंग से सारी खड्डे निगल गए हैं। DGP कह रहे हैं हमारे पास पावर नहीं है इनको डील करने के लिए, 5 साल इसी में निकाल दिए ये बयान देके, और उससे उनको खुली छूट मिलती रही। डिपार्टमेंट कह रहा है कि जी हमारे पास स्टाफ नहीं है, अब ठेके 5-4 साल से नीलाम नहीं हुए हैं, शराब माफिया ने हाहाकार मचा रखा है, वन माफिया ने पेड़ों का जो है पूरी तरह तस्करी हो रही है हिमाचल प्रदेश में। तो इसलिए ये जितने भी मुद्दे हैं, फिर कर्मचारियों के मुद्दे हैं, ओल्ड पेंशन कर्मचारी मांग रहा है, तो हर वर्ग विशेष के मुद्दे इस संक्षिप्त सत्र में जैसे भी उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। सरकार ने वित्तीय दिवालिया निकाल दिया है, कर्जे उठा उठा के जो है केंद्र से कुछ ला नहीं पाए हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके रैलियां की जा रही हैं, आप देख लें इवेंट मैनेजमेंट करने वाली ये सरकार है, हर तरफ जो है सरकार के पैसे से जो है पार्टी के खर्चे चलाए जा रहे हैं, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे पथ परिवहन निगम की बसें हैं वो उनको किस ढंग से पार्टी के कार्यक्रमों में लगाया गया है, चाहे दूसरे कार्यक्रम हो रहे हैं, हर तरफ तो सरकारी खर्चे से हो रहे हैं। सरकार के पास एक तरफ कह रहे हैं कि कर्जे उठाने हैं, दूसरी तरफ इतने बड़े पैमाने से फजूल खर्ची चल रही है, संसाधन अर्जित करने के लिए कुछ हुआ नहीं है, पड़ोसी राज्यों से पैसा हासिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। तो सरकार पूरी तरह जब विफल हो गई है तो नेचुरली ये सरकार का ये अंतिम सत्र है, ये अंतिम है तो अंतिम है। सर अध्यक्ष कह रहे हैं